अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सभा का बहस कर हमने नहीं किया, हम तो सभा चाहते हैं कि जिला पंचायत में अच्छे कार्य हो, पर अन्य सदस्य इच्छा कि जिले में कार्य कुछ नहीं होना चाहिए, अन्य सदस्यों का बड़ा आरोप है कि कई बैठकें हो चुकी, कई कार्य प्रस्तावित हुए लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए। हो कौन आरोप लगा रहे ऐसे की जो कार्य नहीं हो रहे यहाँ पे? और ये आरोप लगा रहे आपके मध्यम तो सुन रहे बहिष्कार हुआ है आज ना? बहिष्कार नहीं, वो नहीं है उसको आपसे जानकारी लेंगे आप क्या नाराज किए। कितने सदस्य उपस्थित थे आज? आज सिर्फ मैं अकेला आया था। अकेले थे आज? कुल कितने सदस्य? कुल 7 सदस्य। आपका नाम? रूप सिंह ढाकर। ये बताइए कि आज जिला पंचायत में ये पता चला कि एक मीटिंग थी, कौन सी मीटिंग थी और किस लिए ये मीटिंग आयोजित की थी और आपने बहिष्कार क्यों किया सर और कितने सदस्यों के साथ किया? ये हमारी जो जिला पंचायत में 8 समितियाँ हैं अलग अलग, वो हमारी स्थायी समिति की आज मीटिंग थी और हमारे सभी 8 ही सभापति, इसमें से 6 जो सभापति हमारे साथ हैं, उन्होंने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने का मुख्य कारण एक तो ये है कि कल भी हमारी साधारण बैठक है और साधारण सभा के लिए और आज दोनों दिन सलंग 100-150 किलोमीटर दूर से आना असंभव है। इसके अलावा पिछली बार भी जितनी मीटिंग हुई है 5-7-8 बार हमारी जो भी प्रपोजल जो भी हम लोगों ने राय दी है उस पर अभी तक कुछ अमल हुआ नहीं है, वो मीटिंग में आने जाने से कोई मतलब निकलता नहीं, इसी वजह से हमारे सभी साथियों ने इसका बहिष्कार किया। क्या लगता है आपको कि अब कहीं ना कहीं काम प्रभावित भी होंगे इस तरह से बहिष्कार किया, और आपकी क्या जो है अध्यक्ष से या जिला पंचायत सीईओ से बात हुई तो क्या उनका अभी कहना? निश्चित रूप से काम नहीं होने की वजह से जनता का नुकसान तो है ही इसमें। दूसरा, मेरे अध्यक्ष महोदय के जो महोदया के जो पति हैं भीरूलाल जी अटारिया, उनसे बात हुई थी, उन्होंने खुद ने यह आवाज़ अपनी सरकार के खिलाफ उठाई है कि जो मान सम्मान अध्यक्ष को और सारे सभापति को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा अधिकारियों द्वारा, और उन्होंने खुद इसके लिए आज एजेंडा रखा है और उन्होंने तो शोक संवेदना व्यक्त की है आज के इस एजेंडे में, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि वो उनका पार्टी का मैटर है, उसमें हम बोलना नहीं चाहते। हमारा अधिकारियों से निवेदन रहा है हमेशा से कि हमको जनता ने चुन के भेजा है तो कम से कम हमारे क्षेत्र के जो छोटे मोटे काम हैं वो पूर्ण हों। क्या लगता है आप कब मीटिंग में आप बैठोगे? बहिष्कार है तो आप क्या बात करें? कल हमारी साधारण सभा की मीटिंग, उसमें सभी सदस्य आएंगे, मेरी सबसे फ़ोन पर बात हुई, सभी कल यहाँ मीटिंग में आएंगे, उसके बाद अगला जो भी कदम होगा वो हम लोग सब मिलकर उठाएंगे। आप पहले भी आरोप लगा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्य नहीं होते हैं और अब क्योंकि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा की है और तमाम अभी बॉडी बैठी, क्या कहना है आपका? आपने पहले भी मैंने जो आरोप लगाया है उसका सबूत है मेरे पास। मेरे पहले जो हमारे पहले जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह जी राजपूत, उनके टाइम का पैसा 1.5 साल बाद तक यहाँ आ रहा है और हम लोगों की जो कार्य योजना को आज 1 साल हो गया वो पैसा आज तक मध्य प्रदेश सरकार नहीं भेज पाई है, तो कैसे ये विकास कार्य होंगे और कैसे आगे जिला पंचायत चल पाएगी? मैंने अब उन्होंने क्यों बहिष्कार करा है मुझे नहीं मालूम, मैंने मीटिंग बैठक रखी थी, अब वो नहीं आए, उसने मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे पता नहीं वो क्यों नहीं आए। कितने सदस्य आज यहाँ पे पूछे थे? आज आज तो मैं थी और हमारे पकड़ जी थे, हम दोनों आए थे, 6 सदस्य नहीं आए हैं।